तो थोड़ा बहुत तो और ही लिया है, अभी कैमरा लेके आया ना, तो देखो तो इसको ही देखो तय मान लो। ये छोटा टमाटर है, अभी सीजन गया ना इसलिए थोड़ा ये सूख गया पूरा धूप की वजह से, बरसात नहीं आया बहुत दिन से। वैसे भी ये ठंडे का सीजन में ही ज़्यादातर होता है, लेकिन इसको मैंने पानी वानी नहीं पी थी सीमन के बैग में, इसलिए पानी नहीं देने की वजह से ज़्यादा धूप की वजह से ये मर गया। तो इसका आज तोड़ते हैं हम, बहुत खाया हम लोग यहाँ से। ये छोटा छोटा ब्रिंजल है, इसको भी तोड़ लेना है, मतलब ये ज़रा बड़ा नहीं होता, जल्दी पक जाता है। देखिए ये पक गया, ब्रिंजल ही छोटा साइज का है। और ये देखिए ये सिर्फ एक पैर में एक एक करके ग्रोइंग होता रहता है। ये एक है, पहले भी एक तोड़ के लिया, एक एक करके तीन बार तोड़ लिया, एकदम छोटा है पैर। और ये जो मेरा सब्जियाँ है सारा का सारा ऑर्गेनिक है, हम लोग इसमें कोई केमिकल खाद यूज़ नहीं किया, करते ही नहीं है हम लोग, सिर्फ किचन का वेस्ट ही यूज़ करते हैं। चाहे सब्जियाँ हो या ना हो और जितना भी होता है उसी से हम लोग बहुत खुश है। और उस तरफ चलो, यहाँ पे और कुछ नहीं है, तोड़ लिया इतना ही सा। उधर है उस साइड पे, फिर उधर जाएंगे। और इस पेड़ में भी हम लोग बहुत खाया, ये सीमेंट का पॉट है, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है बहुत इसका वीडियो। ये एक ही पेड़ है लेकिन हम लोग बहुत खाया यहाँ से भी। ये फिर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, देखिए फिर से हो रहा है। ये जो पहले का फर्स्ट वाला ये ब्रांच हुआ ना, ब्रांच था वो सूख गया, लेकिन नया नया ब्रांच फिर से निकला है और फिर से हो रहा है। देखिए ये मिर्ची का पेड़ भी, ऐसे मिर्ची भी हार्वेस्टिंग कर लिया, कल परसों कर लिया शायद। ये छोटा वाला है तो इसको नहीं तोड़ेंगे आज, थोड़ा पकने देते हैं उसके बाद तोड़ेंगे। यहाँ पर भी है छोटा जो मैंने हुआ उससे तोड़ लिया, ये छोटा वाला टमेटो, ये टमेटो बहुत हुआ, हम लोग मीट में मछली में डाल डाल कर खाते हैं इसको। और उगाया है हम लोग टमेटो, देखो इस तरह बोतल में भी हम लोग तैयारी किया है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। पहले किया था लेकिन इतना सारा पेड़ नहीं गया था, एक टू दो टू करके किया था, हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा 1 2 3 4 10 बोतल ही हुआ पे, 10 बोतल में कर रही हूँ अभी। तो हो गया तोड़ना, हो गया है और है क्या, चलो पीछे चलो पीछे, पीछे में भी है। और ये कुकुम्बर का पेड़ मैंने इस तरह करके रखा, उसका वीडियो डालेंगे जब होगा, लेकिन अभी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ बस। देखिए जब ज़्यादा होगा हो जाएगा तब तो एक वीडियो डालेंगे, हम लोग के साथ शेयर करेंगे। ये भी है कुकुम्बर, हम लोग कुछ नहीं डाला इसमें, फर्टिलाइजर वगैरह कुछ नहीं डाला, पूरा ऑर्गेनिक है। तो बस इस तरह वेस्ट, मैंने पहले भी शेयर किया इस जैसे वेस्ट, हम किचन का वेस्ट जो भी मिलता है डाल देते हैं। अभी शाम हो गया ना इसलिए सूख गया, पानी डालना पड़ेगा अभी शाम को, शाम सुबह दोनों टाइम डालना पड़ता है, जल्दी सूख जाता है क्योंकि तब इतना बड़ा नहीं है, ये पॉट छोटा छोटा पॉट में मैंने उगाया है इसलिए ये हो रहा है। देखिए फ्लावर तो बहुत कुछ निकल आया, शायद क्यूकम्बर जल्दी बड़ा हो जाएगा। मैं प्रोटेक्शन नहीं की थी और फर्टिलाइजर तो हम लोग बाहर का कुछ मेडिसिन यूज़ करते ही नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं, तो ये उसका इंसेक्ट ने अटैक कर लिया है तो इसको तोड़ देते हैं। देखिए किस तरह खा रहा है, पूरा दो कुकुम्बर खराब कर दी मेरा ये। देखिए तो अभी मैंने इसका अभी
प्रोटेक्ट करके रखा है। यहाँ में भी देखिए, देख सकते हैं, और यहाँ पर भी एक है, बड़ा हो रहा है ये तो। तो उसका नींबू ऑयल, कुछ नींबू का पानी, नीम पत्ता का पानी मतलब स्प्रे करना पड़ेगा, या नहीं तो सुना का पानी स्प्रे करेंगे। इसको भी दिखाएंगे बाद में। तो ये से थोड़ा खाने से कम होता है। मैंने जो उसको इसको प्लास्टिक से ढक के रखा था, ये उसको अटैक नहीं कर पाया, अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसका नहीं कर पाया। तो इस तरह भी कर सकते हैं, और नीम का पानी स्प्रे करने से भी, या तो सुना का पानी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की, इसे प्रोटेक्ट की। तो देखिए वो वाला, उसको भी दिखा ऐसा ही है। तो इसे देखिए, और ये भिंडी भी हम पॉट में उगाया, तो भिंडी भी हो रहा है। देखिए ये हार्वेस्टिंग करने का थोड़ा कल परसों करेंगे, अभी आज नहीं करेंगे। और ये लेमन, इसको भी नर्सरी से लाया था मैंने, तो हो रहा है। और छोटा छोटा देखिए बहुत कुछ निकल रहा है अभी, ये भी बड़ा होगा, होने से हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। और यहाँ पे लौकी, लौकी का बीज हुआ था मैंने, ऐसे बड़ा हो गया, ट्रांसफर नहीं किया, अरे मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया, तो यहाँ पे ही ग्रो हो गया। मैंने छोटा सा पॉट में भी भिंडी उगा के देखा होगा कि नहीं होगा बोल के, ये बहुत छोटा पॉट ही दिखे, तो हो रहा है, देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलते हैं। और ये पुदीना एक पॉट में ही बहुत हो गया, तो हम लोग हफ्ते में एक बार तोड़ ही लेते हैं, फिर उग जाता है। देखिए तोड़ दो, तोड़ो, एक ही तोड़ना, एक ही तोड़ना। डर लग रहा है, रखो रखो, ये रखो। ये क्या है रे? दूध निकलता है, वो वाला मिर्ची है एक, इसको भी करो। नहीं चलो, अच्छे से तोड़ो बाबा, हाथ से पकड़ो, कुछ नहीं होगा, नहीं लगेगा, डर लगता है रे, सब मिर्ची लगेगा बोल के, नहीं लगेगा मिर्ची। और पीछे चलो, कहाँ पीछे, लेके आओ बास्केट का। वैसे पपाया का ट्री बहुत है हमारा, ये हाइब्रिड का पपाया है, ये भी हो रहा है, भी इसमें भी सब में भी फ्लावर, फ्लावर, हाँ फ्लावर आ रहा है, हाइब्रिड है, वहाँ पे भी है, और पीछे भी एक ट्री है, बहुत है हमारा पपाया। देखिए इसमें भी फ्लावर आया, और उसमें भी आया, और उसमें भी आया, वो वाला देखिए सब हाइब्रिड का है, ये हाइब्रिड पपाया। क्या डांस कर रहे हैं, चल दो। वाह पकड़ो, क्या हुआ मोती, खाओ मोती, ऐसा बोलता है। चावल का बरसात, चावल का बरसात, दे रहा ये लो, खाओ तुम भी, और ऐश करो। ये केला, ये भी एक थो, और पे वो है, ये पे एक थो, ये दोनों पैर एक साथ निकल आते हैं, उसको भी मैंने वीडियो में डाल के रखा है। अभी दो दो ऊपर भी है, और देखो केला भी है। चलो
तोड़ दूँ क्या? मत करो अभी, बाद में करेंगे। चलो ये देखो गाइस, प्लान है लेकिन ये सब हुआ है, लॉन्ग बीन है, इसको इसको भी तोड़ देते हैं। और ये स्पॉन्ज कार्ट हो रहा है, फूल बोलते हैं हम लोग इसको असम में, छोटा सा ही पेड़ है। अभी उसको ये तार को दे दिया है, देखिए पोमोग्रेनेट का पेड़, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इस साल। अभी फ्लावर पूरा नीचे से उग रहा है, नीचे से हो रहा है, देखिए इसे से फ्रूट दे रहा है। बड़ा नहीं है, फिर छोटा ही है, लेकिन अभी से फ्रूट निकल आ रहा है। तोड़ ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा होने से अच्छा नहीं लगेगा ना खाने में। क्या मम्मी, क्यूकुम्बर? क्यूकुम्बर है ना, रिज कट है ये, रिज कट क्यूकुम्बर होता है, ये क्यूकुम्बर है क्या? रिज कट है, रिज कट मतलब क्या है रे? फल बोलते हैं, फल देखते हैं। चलो इधर कहाँ पे है, चलो ले चलो। ये वाला दिखा एक बार, ये बस चलो अब टेरेस में है ना। देखिए ये बोर्ड होगा, बाद में जब बड़ा होगा तब भी दिखाएंगे। नाउ लेट्स गो टेरेस, चलो। बड़ा नहीं हुआ ना अभी, छोटा है, एक ही हुआ, इतना नहीं हुआ। कहाँ पे और एक और तो नहीं है ना, कहाँ पे दिखाओ जरा। इसको भी छोटा करना होता है, हाँ छोटा
फ्लावर है ना, फ्लावर फूल निकला दोनों सेम ही है, ऐसा निकलता है लेकिन क्या है वैसे दिखाओ जरा बोलते क्या है पता नहीं मुझे। चलो तो गाइस ये है हमारा छोटा सा गार्डन और टेरेस में भी है, आओ दिखाते हैं। चलो चलो तो अरे चलो भी छोटा सा गार्डन है, हार्वेस्टिंग इतना ही मिला दिखाई, आओ ऊपर आओ थक गए क्या हम लोग, ऊपर में भी गार्डन शुरू की टेरेस गार्डन। अबे वो साइड हो ये कितनी गर्मी है। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम है, अरे ये क्यों काट दिया इसको काट दिया, और ये मेरा मुंह से निकल गया था नीचे में गार्डन में रिच कार्ड बोल के, जब मेरी बेटी ने पूछा तो हंस रही है। ये स्पून्स कार्ड है, हम लोग भोल बोलते हैं आसाम में, तो कौन सी जगह पे क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा प्लीज़। ये हमारी भाषा में ये भोल है और इंग्लिश में उसको स्पून्स कार्ड कहते हैं जो। तो मैंने ये ऊपर में लगाया है करेला, ये ओ मम्मी ये क्या है, ये चिली था, ये पास से था नहीं, ये चिली चिली था अभी पक गया है, दो तीन तो पहले मैंने तोड़ दिया जो मिशी उठवा था पक गया था लाल होके, तो ये भी लाल होने वाला है अभी। और ये है ना मैंने फर्स्ट टाइम इसको लगाया है जुक्कीनी बोल के ऑनलाइन से बीज मंगा के, लेकिन ये क्या है ना सब सब मेल फ्लावर आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों मेल फ्लावर ही आ रहा है, उसमें तो फीमेल भी आना चाहिए था मेरे हिसाब से, वेट करते हैं फीमेल आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आया फीमेल फ्लावर अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए, मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। तो तीन पॉट में लगाया दो दो करके देखिए, तो देखते हैं बाद में फीमेल फ्लावर आएगा कि नहीं आएगा। और तो इसको मैंने ये है रिच कार्ड, मैंने जो नीचे में बीती पूछने से रिच कार्ड बोला था ये छोटा हो रहा है रिच कार्ड, ये ऊपर में मैंने रिच कार्ड लगाया, तो इस तरह पॉट में देखिए तो फ्लावर हो रहा है धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम हम लोग शर्ट में किया है, ऊपर तो नहीं किया था, नीचे थोड़ा छोटा सा गार्डन है यहाँ पे किया था सब कुछ, जितना भी मैंने वीडियो में शेयर किया पहले लौकी वगैरह वो सब ख़त्म हो गया, और अभी स्टार्ट हो रहा है लौकी का नया पेड़, पहले वाला जितना था लौकी हम लोग तोड़ के खा के सब ख़त्म कर दिए, सब अभी नया नया उगाया है, और ये फ्रूट तो बहुत आ रहा है, देखते हैं इसको भी टेरेस में कैसे रिजल्ट मिलेगा बाद में। ये मैंने दो पेड़ ही लगाया, ये भी करेला का ही पेड़ है देखिए, और ये भिंडी लेडी फिंगर जो बोलते हैं उसको भी स्मॉल पॉट में ही डाल के रखा है मैंने, हुआ है छोटा छोटा फ्रूट निकलने अभी निकल रहा है देखिए, और ये मिर्ची का पेड़, और ये भी भिंडी है इसका भी आ रहा है अभी फ्रूट, मिर्ची का पेड़ इसका फ्लावर आ रहा है देखिए छोटा सा, और ये पुई शाक बोलते हैं हम, ये सूखा पड़ा हुआ था मैंने जब लाया तो इसलिए शायद अच्छा नहीं हुआ इतना, एक्स्ट्रा पाइप नहीं लगाया तो यहाँ से पानी लेना पड़ता है। आउच, आउच, आउच। बाद में लगाएंगे, टेप लगाना पड़ेगा, अभी तो ऑटोमेटिक हो रहा है ऑटोमेटिक फिलअप।
हो गया बस है ना। तो फ्रेंड्स ये हम लोग तुम्हें तो तोड़ लिया, सर में बैंगन भी और ये स्पंज कार्ड मेस पपाया और ये लॉन्ग बीन, ये अरबी का सब्जी और ये अरबी का पत्ता, इसको तो खाते रहते हैं हम लोग। मैंने वीडियो में भी डाल के रखा है। तो आज का हार्वेस्टिंग यही में ख़त्म की। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।